एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं क्या होती है, उसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम नंबर्स। देखो, श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन थी, जब उसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो उससे जो प्राप्त वेव फंक्शंस हमें प्राप्त होते हैं, उनकी सहायता से हम फाइन स्पेक्ट्रम और जीमान इफेक्ट को बली प्रकार से समझा सकते हैं। वेव इक्वेशन को हल करने के लिए तीन इंटीजर्स, तीन पूर्णांकों की ओर शामिल करना आवश्यक है। तो जो ये पूर्णांक होते हैं उनको बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। वेव फंक्शन और ऑर्बिटल यानी कक्षक इन क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करते हैं। हम जानते हैं कि जब प्रत्येक वेव फंक्शन के अनुरूप एक ऊर्जा का मान होता है, अतः परमाणुओं में जो ऊर्जा स्तर हैं उनकी स्थिति भी इन क्वांटम संख्याओं पर निर्भर करती है। ये क्वांटम संख्याएं ऑर्बिटल्स के लिए हमें तीन क्वांटम संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें चार क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है, जो कि उसके आइडेंटिफाई करने में काम आती है। ठीक है, जो चार क्वांटम संख्या होती है कौन कौन सी होती है? एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, एजोमुथल या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, द्वितीय क्वांटम संख्या, द्विगुंशीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और फोर्थ होती है स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर? तो द वैल्यू ऑफ क्वांटाइज एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विच द स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन कैन बी आइडेंटिफाइड आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्वांटाइज एनर्जी की वह वैल्यू जिसकी सहायता से हम किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है और ऑर्बिटल्स के लिए तीन क्वांटम संख्याओं की, क्योंकि ऑर्बिटल्स के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की आवश्यकता नहीं होती। देयर आर फोर क्वांटम नंबर्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ विच एनी इलेक्ट्रॉन कैन बी लेबल्ड। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चार क्वांटम नंबर्स की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन को लेबल कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज फोर क्वांटम नंबर्स वी कैन आइडेंटिफाई एनी इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक ए पोस्टमैन हु आइडेंटिफाइज ए पार्टिकुलर मैन विद द हेल्प ऑफ एड्रेस रिटन ऑन द पोस्ट कार्ड। एवरी अकाउंट ऑफ दीज फोर क्वांटम नंबर्स इज गिवन बिलो। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एन के द्वारा। इट्स स्मॉल एन, इट्स वैल्यू कैन बी एनी इंटीजर नंबर लाइक 1, 2, 3, 4 etc। ठीक है, इसकी वैल्यू है 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो जीरो और नेगेटिव नहीं होती। क्लियर? इट्स रिप्रेजेंट द ऑर्बिट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये है बोर एटॉमिक मॉडल का जो ऑर्बिट है उसको रिप्रेजेंट करता है। द ऑर्बिट्स विद द क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4 etc आर रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट्स KLMN etc। क्लियर? देखो, ये नाभिक के चारों तरफ हम जानते हैं कि कोस होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट जिसके लिए n बराबर 1 आता है उसको हम बोलते हैं k, n बराबर 2 आता है उसको बोलते हैं l, n बराबर 3 आता है तो क्या बोलते हैं? KLM। क्लियर? और एक n बराबर 4th, KLMN। ठीक है, इसी प्रकार से 5 आएगा तो आगे अपन बढ़ते चले जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? सेल्स, कक्ष, जिनको n के द्वारा बताया जाता है। अगर n की वैल्यू 1 है तो कौन सा कोस होगा अपना? k। n बराबर 2 होगा तो l, 3 होगा तो m, 4th होगा तो n। अब इन कोस में भी सब सेल्स होते हैं, सब उपकोस होते हैं। क्लियर? सेल्स है ये, ऑर्बिट या सेल बोल सकते हैं। इनमें क्या पाई जाती है? अब सब सेल्स। क्लियर? तो ध्यान ना, जो सब सेल्स की संख्या होती है, जैसे n बराबर 1 है तो इसमें 1 ही सब सेल होगा, n बराबर 2 है तो इसमें 2 सब सेल होंगे, n बराबर 3 में 3 सब सेल होते हैं और n बराबर 4 में 4 सब सेल होते हैं। सब सेल को मतलब 1 है तो s, 2 होंगे तो s और p, 3 होंगे तो s, p और d, और 4 होंगे तो s, p, d और f। ये क्या है? उपकोस। क्लियर? अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की। तो n कोस में
यानी किसी कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, पहले तो बात करते हैं कक्षकों की। अगर किसी कोश में कक्षकों की बात करें तो कक्षकों की संख्या होती है एन स्क्वायर। क्लियर? जैसे एन बराबर वन है, इसमें अगर अपन को कक्षक की बात करनी है कि इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, कितने कक्षक होंगे, तो क्या होगा एन स्क्वायर, मतलब एक ही होगा। अब एस कक्षक में, एस सबसे एक में केवल एक ही तो कक्षक होता है। इसी प्रकार एन बराबर दो की बात करें तो दो स्क्वायर बराबर फोर। अब यहाँ पर देखो एस पी, एन बराबर दो में दो सब सेल्स होते हैं एस और पी। एस में एक कक्षक और पी में कितने होते हैं, तीन कक्षक। ठीक है, तो तीन और एक चार हो गए ना। इसी प्रकार अगर एन बराबर 3000 तो थ्री स्क्वायर मतलब नो। थर्ड सबसे थर्ड सेल में एन बराबर तीन आता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एम। और इसमें कितने सब सेल होते हैं, तीन, एस पी और डी। और टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, नो। एस में एक सॉरी दो सॉरी कक्षक की बात करें तो एस में एक कक्षक, पी में तीन कक्षक और डी में पांच कक्षक। पांच तीन आर एट एक नौ, नौ क्या हो गए कक्षक। इसी प्रकार अगर एन बराबर चार होगा तो सबसे सेल भी कितने होंगे, चार। एन बराबर चार को क्या बोलते हैं अपन, एन। और चार सबसे सेल कौन होगी, एस पी डी और एफ। और फोर स्क्वायर बराबर 16, तो इसमें 16 ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे देखो एस में एक, पी में तीन, डी में पाँच और एफ में सात। सात पाँच बारह, तीन पंद्रह और एक 16, इसमें कक्षक हो गए। अगर आप किसी कक्षक में अगर अपन सॉरी किसी कोश में किसी ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n स्क्वायर। क्लियर? 2n स्क्वायर का मतलब अगर n बराबर 1 है तो 2 × 1 स्क्वायर बराबर 2, यानी कि n बराबर 1 कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। और चूंकि n बराबर 1 में केवल सबसे एक ही है s, तो s में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n बराबर 2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 2 का स्क्वायर, 4 × 4 = 8, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 8 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, 2 तो s में होंगे और 6 p में होंगे, तो 6 × 2 = 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार n बराबर 3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 3 स्क्वायर बराबर 18, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18, तो 18, क्योंकि n बराबर 3 है तो 3 सबसे सेल होंगी s p और d। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन और d में 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितने होंगे, 18। इसी प्रकार n बराबर 4 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × 4 स्क्वायर बराबर 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि जो 18 तो s p d में आ गए, बाकी 32 में जो 14 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, क्योंकि f में कितने हैं, 7 कक्षक हैं, तो 7 × 14 इलेक्ट्रॉन्स उसमें f में भरे जाएंगे। तो इस प्रकार से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी सहायता से हम एक जो बोर मॉडल है उसका जो ऑर्बिट है उसको रिप्रेजेंट करता है ये। क्लियर? इसके साथ ही जो मुख्य क्वांटम संख्या है वह नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी औसत दूरी को भी बताती है, तथा मुख्य ऊर्जा स्तर की ऊर्जा उसको उस पर भी निर्भर करती है, क्योंकि E बराबर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर। समझ में आ गया? तो मुख्य क्वांटम संख्या पर इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी तथा मुख्य ऊर्जा स्तर की ऊर्जा निर्भर करती है। n का मान जैसे जैसे बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी तथा उसकी ऊर्जा भी बढ़ती चली जाती है। अर्थात n बराबर जब 1 होगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे कम दूरी पर होगा और उस पर सबसे अधिक बल से वो आकर्षित रहेगा, तथा n का मान जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है आकर्षण बल कम होते जाते हैं। तो क्वांटम संख्या परमाणु का आकार भी निर्धारित करती है। क्लियर? अब देखो जो ऊपर के जो ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे n जिनकी संख्या जिनका n की वैल्यू ज़्यादा होती है, उनके जो सब सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह तुलनात्मक रूप से नाभिक से कम बल यानी कि जो वीक फोर्स से बंधे होते हैं, तथा परमाणु का जब आयनन करते हैं अपन आयनाइजेशन करते हैं तब वह इलेक्ट्रॉन जिसका n का मान सबसे अधिक होता है, क्योंकि वह नाभिक से ढीले बंधा
यानी नाभिक से कम बल से जुड़ा होगा, तो सबसे पहले परमाणु से बाहर वही निकलता है जो इसका जिसके लिए एन का मान सबसे ज़्यादा होता है। अब एन का मान हमने अभी पढ़ चुके हैं कि जीरो तथा ऋणात्मक संख्या को छोड़कर इंटीजर नंबर्स में होता है, वो एक से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है लेकिन धनात्मक होता है, ठीक है। और जो एन की वैल्यू है उसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी हम निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है रूट एन इंटू एन प्लस वन एच अपॉन टू पाई, क्लियर। तो इसके द्वारा और मैग्नेट्रॉन, इसके द्वारा हम एंगुलर मोमेंटम को निकाल सकते हैं। द मेन नंबर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी अकोमोडेटेड इन एनी ऑर्बिट और सेल इज टू एन स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, इफ ये हम देख ही चुके हैं। हैंस इन द फर्स्ट ऑर्बिट देयर कैन एग्जिस्ट द मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, इन द सेकेंड ऑर्बिट देयर वुड बी 8 इलेक्ट्रॉन, इन थर्ड 18 एंड इन द फोर्थ ऑर्बिट मैक्सिमम ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट। ये अभी हम समझ चुके हैं। अभी विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द साइज ऑफ एन एटम कैन बी डिटरमाइंड, के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के सहायता के द्वारा हम किसी भी एटम की साइज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी साइज़ कितनी है हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर विल बी द साइज ऑफ द एटम, जितने ज़्यादा एन की वैल्यू होगी उस एटम की साइज उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा जो क्वांटम नंबर है वह है अपना एजोमथल क्वांटम नंबर, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। इट शोज द नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स एसोसिएटेड विद एनी मेन ऑर्बिट, के लिए जो एजोमथल क्वांटम नंबर के द्वारा हम किसी जो मेन ऑर्बिट से एसोसिएटेड जो सब ऑर्बिट्स हैं उपकोष हैं उसको जो शो करता है एजोमथल क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल के द्वारा, और इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन, और जो एल की वैल्यू है वह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर डिपेंड करती है। इट्स टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू एन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन, ठीक है। अगर एल की हम वैल्यूज़ की बात करते हैं तो एल की वैल्यू जीरो से लेकर एन माइनस वन तक होती है, यानी कि एन के बराबर और एन से ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। ध्यान रख लेना कि एजोमथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू हमेशा एन से कम ही होती है, क्योंकि जीरो से लेकर एन माइनस वन तक इसकी वैल्यू होती है। इट्स टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वल टू एन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू वन एन माइनस वन, दैट इज इफ एन बराबर वन, अगर एन बराबर एक है तो एल बराबर क्या होगा जीरो, और इन द फर्स्ट ऑर्बिट इट इज ओनली वन एस सब ऑर्बिट्स विच इज रिप्रेजेंट बाई एस, क्लियर। सिमिलरली देखो अगर एल की वैल्यू जीरो आती है तो अपना ऑर्बिट कौन सा होता है सब ऑर्बिट एस, इफ एन बराबर टू एन बराबर दो है तो एल की वैल्यू कितनी आएगी जीरो और एन माइनस वन वन, दो वैल्यू आएगी, तो जीरो एस के लिए और एल वन किसके लिए आएगा पी के लिए, क्लियर। तो यहाँ दो सब ऑर्बिट्स कौन होंगे एस और पी, हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी एन बराबर तीन है तो एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जीरो एक और दो, क्योंकि एन माइनस वन तक होती है इसकी वैल्यू, जीरो से लेके कितनी होती है एन माइनस वन तक, तो एन कितना है तीन, तीन में से एक है तो दो, यानी जीरो एक दो, तो जीरो एस के लिए एक पी के लिए और दो किसके लिए आएगा स्मॉल डी के लिए। और हम जानते हैं कि एन बराबर जब तीन होता है तो उसमें तीन सब सेल्स होती हैं एस पी डी, इसी प्रकार जब एन बराबर चार होगा तो एल की वैल्यू कितनी होगी जीरो से लेकर चार माइनस एक यानी तीन तक, यानी जीरो एक दो और तीन, यानी एन बराबर चार तो चार ही सब सेल होते हैं चार ही उपकोष होते हैं, जीरो किसके लिए एस के लिए एक पी दो डी तीन नंबर आएगा तो एफ, ठीक है। अगर एल की वैल्यू जीरो आती है तो एस, एल की वैल्यू एक आती है तो पी, एल की वैल्यू दो आती है तो डी और तीन आती है तो एफ, इसी प्रकार आगे अपन बढ़ते चले जाएंगे, क्लियर। व्हेन एन बराबर व्हेन वन देन एल बराबर जीरो दैट इट इज द फर्स्ट ऑर्बिट ओनली वन सब ऑर्बिट इज देयर एस एंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन एग्जिस्ट इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज टू, हम सब जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं किसी भी सबसेल में, क्योंकि एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा आ सकते हैं, क्लियर। और ऑर्बिट में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो टू एन स्क्वायर हम निकाल चुके हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, तो इन द एस सब ऑर्बिट मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिट।
सिमिलरली इन द सेकेंड ऑर्बिट देयर आर टू सब ऑर्बिट्स एस एंड पी एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एग्जिस्ट इन द सेकेंड ऑर्बिट आर 8. सो सब ऑर्बिट पी कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर, ये भी हम देख चुके हैं अभी. इन द थर्ड ऑर्बिट 3 सब ऑर्बिट्स एस पी एंड डी विल बी देयर एंड इट्स 18 इलेक्ट्रॉन्स वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज 2, 6 एंड 10. थस डी सब ऑर्बिट्स कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स. लाइकवाइज इफ एन बराबर 4 सब ऑर्बिट्स एस पी डी एंड एफ आर देयर विच कैन अकोमोडेट द मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स एज 2, 6, 10 एंड 14. देयर फॉर द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एफ सब ऑर्बिट्स इज 14 इलेक्ट्रॉन. तो एजुमथल क्वांटम नंबर शोज द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स. जो एजुमथल क्वांटम नंबर है वह ऑर्बिटल्स की कक्षकों की शेप को बताता है. किसको बताता है? शेप को. अगर एल बराबर 0 आता है, ठीक है, तो एस ऑर्बिटल होगा. और एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कौन सी होती है? स्फेरिकल शेप होती है. अगर एल बराबर 1 होगा तो वो कौन सा होगा? पी ऑर्बिटल होगा. और पी ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है, ठीक है, जिस प्रकार डंबल होता है ना उसी शेप में पी ऑर्बिटल्स होती हैं. अगर एल बराबर 2 है तो डी ऑर्बिटल होगा और उसकी शेप होती है डबल डंबल शेप. एफ ऑर्बिटल कोई कॉम्प्लेक्स शेप होती है. तो इस प्रकार से एजुमथल क्वांटम नंबर की सहायता से हम किसी भी ऑर्बिटल्स की शेप को बता सकते हैं. समझ में आ गया? इसको आगे जब हम क्वांटम नंबर्स को एग्जांपल्स के द्वारा भी समझेंगे किस प्रकार से हैं, ठीक है. तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वह किसको बताता था? ऑर्बिट के बारे में, कॉस के बारे में, और इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी के बारे में, और ऊर्जा के बारे में, जो मुख्य ऊर्जा स्तर है उनके बारे में. एजुमथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रहा है? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में. क्लियर. एजुमथल क्वांटम नंबर के द्वारा हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की गणना भी कर सकते हैं. उसका फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2π. ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला है, जिसमें एल का मान रखकर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं. एस कक्षक की अगर बात करें तो एस कक्षक का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आता है? 0 आता है, ठीक है, क्योंकि एस एल बराबर कितना आता है? 0. 0 को 0 से इंटू करेंगे तो 0. और एजुम, ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड जो अपना क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या. तो देखो, किसी तत्व के जब हम लाइन स्पेक्ट्रम का चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में या अनुपस्थिति में अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्राप्त जो लाइनें हैं वो चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर अति निकट लाइनों में विभक्त हो जाती है. क्लियर. इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? जीमान इफेक्ट कहते हैं, जिससे पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन के साथ एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है जो कि परमाणु पर लगाए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ पारस्परिक क्रिया करता है. तो वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर गतिशीलता है उसका कारण चुंबकत्व उत्पन्न होता है. क्लियर. इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों जो गतिशीलता के कारण चुंबकत्व उत्पन्न होता है. इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन एक छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करता है. अब एक जो उप स्तर है सबसे के विभिन्न कक्षक चुंबकीय क्षेत्र लगाने से पूर्व समान ऊर्जा के होने चाहिए, जो कि चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर असमान ऊर्जा के हो जाते हैं. जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते हैं हम तो जो सभी ऑर्बिटल्स हैं वो डिजनरेट होते हैं, समान ऊर्जा के होते हैं. लेकिन जैसे ही हम अगर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो फिर वो असमान ऊर्जा के होते हैं, उनमें विपाटन हो जाता है. तो समान ऊर्जा की एक से अधिक अवस्थाएँ होने पर उनको बोलते हैं डिजनरेट कक्षक. इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर कक्षकों की समरसता नष्ट हो जाती है तथा यह सभी संभव जब विभिन्न भिन्न कक्षक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ अलग अलग तरह से पारस्परिक क्रिया कर सके, अर्थात कक्षकों के चुंबकीय क्षेत्र भिन्न भिन्न दिशाओं में अभिविन्यस्त होने चाहिए. ड्यू टू ऑर्बिटल मोमेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड. टू गेट इन्फॉर्मेशन दैट हाउ ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस थर्ड क्वांटम नंबर हैज बीन गिवन. क्लियर. ऑर्बिटल्स
थ्री डायमेंशनल स्पेस में किस प्रकार से ओरिएंटेड होते हैं उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से। द वैल्यूज ऑफ एम डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ एल। जो एम की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, एल। द टोटल नंबर ऑफ एम वैल्यूज इज 2l+1 वेरिंग फ्रॉम -1 -l टू प्लस एल इंक्लूडिंग 0। जो टोटल नंबर ऑफ एम की वैल्यूज है वो 2l+1 होती है जिसका मान -l से लेकर +l तक होता है और इंक्लूडिंग 0 भी होता है। एवरी वैल्यूज ऑफ एम शो वन ऑर्बिटल। एल की प्रत्येक वैल्यू एक ऑर्बिटल को दिखाती है, ठीक है। जैसे कि एल बराबर 0 होगा तो एम बराबर का मान क्या होगा, एक ही मान होगा, वो कौन सा होगा, 0। एम बराबर क्या मान होगा, 0। शो इन एस सब ऑर्बिट ओनली वन ऑर्बिटल वुड भी दिया, क्योंकि एक ही वैल्यू आ रही है तो एक ही ऑर्बिटल होगा। समझ में आ गया, एम का मान 0 आ रहा है, एस ऑर्बिटल। इन विच ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिट। सिमिलरली इफ एल बराबर 1 है तो 2l+1 यानी कि 2 × 1 + 1 बराबर 3 वैल्यू इसकी आती है, वो कौन कौन सी आती है, -1 फिर 0 और फिर +1। क्लियर। -1 0 + 1 हैंस पी सब ऑर्बिट देर आर 3 ऑर्बिटल्स। 3 वैल्यू आ रही है तो 3 ही ऑर्बिटल्स होंगे जो कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में होंगे, तो उनको बोलते हैं पी एक्स पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स। जो एक्स डायरेक्शन में जो ऑर्बिटल होगा पी ऑर्बिटल उसको बोलते हैं पी एक्स, वाई डायरेक्शन में जो होगा उसको बोलते हैं पी वाई, और पी जेड और जेड में होता है पी जेड। दीज ऑर्बिटल्स वुड कंटेन मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो एवरी पी ऑर्बिटल कैन हैव एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। के लिए पी ऑर्बिटल में अगर पी कक्षक की बात करें तो कितने पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और पी में कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। प्रत्येक कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 × 2 = 6, तीनों में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पी में। इसी प्रकार अगर एल बराबर 2 आता है तो फॉर्मूले में अगर हम बाल रखते हैं 2 × 2 + 1 बराबर 5 वैल्यू इसकी आती है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो 2 है तो -2 -1 0 + 1 + 2 इसकी ये वैल्यू आती है, तो 1 2 3 4 5 वैल्यू आ रही है तो 5 ही ऑर्बिटल्स होंगे। और एल बराबर अगर 2 होता है तो हम देखते हैं कि कौन सा सबसे होगा, डी होगा। डी में कितने कक्षक होंगे, 5, ठीक है। तो 5 में कौन कौन से हो गए, डी एक्स, देखो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, 3 तो ये हो गए, और 2 हो गए डी एक्स स्क्वायर -y² और डी जेड स्क्वायर। इन टोटल ऑफ 5 ऑर्बिटल्स आउट ऑफ विच 3 विल बी डायरेक्टेड इन बिटवीन द 2 कोऑर्डिनेट्स। 3 तो 2 कोऑर्डिनेट्स के बीच में होंगे, जैसे डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और रिमेनिंग 2 वुड बी ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस। और 2 हैं जो अलोंग द एक्सिस होंगे, डी एक्स स्क्वायर -y² डी जेड स्क्वायर। एस तो इन जो ऑर्बिटल्स है, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल, इनकी शेप के बारे में हम अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेट इन डी सब ऑर्बिटल इज 10, ठीक है। तो डी सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन 5 कक्षकों में भरे जाने हैं, तो प्रत्येक कक्ष में 2-2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 5 × 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सिमिलरली फॉर एफ सब ऑर्बिट एल बराबर 3, सो एम की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पर सेम 3 × 6 + 1 7 वैल्यूज आती है, जिसकी वैल्यू कितनी, -3 × 2 + 3। देखो एल की बराबर 3 है तो -l2 + l तो -3 × 2 + 3 इसकी वैल्यूज होगी। तो प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 7 × 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ सब ऑर्बिट में होते हैं। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ इट्स ऑर्बिटल इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। समझ में आ गया कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वह 3 डायमेंशनल स्पेस में जो उसका ऑर्बिटल है उसके ओरिएंटेशन को बताती है। अब बात करते हैं अपन स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। तो देखो जो हाइड्रोजन सोडियम जैसे कुछ तत्व थे उनके जब स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया गया सूक्ष्मता से, तो पता चला कि जो उनमें जो लाइंस है वह बहुत ही ज़्यादा निकटतम वाली रेखाओं के युग्मों के रूप में, कपल्स के रूप में पाई जाती है। तो इसे समझाने के लिए 1925 में गाउमिट और यूलेनबेक नाम के दो वैज्ञानिक थे,
उन्होंने विचार रखा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गतिशील रहने के साथ साथ अपनी अक्ष के चारों ओर भी उसी प्रकार से चक्रण करते हैं जिस प्रकार से पृथ्वी अपनी अक्ष के चारों ओर चक्रण करती है। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है दो दिशाओं वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज में ही संभव है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋणावेशित होते हैं तो इसकी चक्रण गति से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन अत्यंत दुर्बल सामर्थ्य का एक चलता फिरता चुंबक होता है, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान होता है लेकिन विपरीत दिशा में ओरिएंटेड होता है। तो चक्रण क्वांटम संख्या को हम जिसे हम स्मॉल एस के द्वारा डिनोट करते हैं उसके दो मान संभव है, प्लस हाफ और माइनस हाफ मान ही दिए जा सकते हैं क्योंकि इन मानों के कारण ही इनके ऊर्जा मानों में एक इकाई ऊर्जा का अंतर पाया जाएगा। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी एटम इन एडिशन दे स्पिन अलोंग देयर एक्सिस आल्सो। क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी एटम में चक्कर लगाने के साथ साथ ही अपनी एक्सिस पे भी चक्कर लगाते हैं, हम पढ़ चुके हैं अभी। जस्ट एज द अर्थ रोटेट अराउंड द सन एज वेल इज इट्स अलोंग इट्स एक्सिस आल्सो। जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी चक्कर लगाती है। ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस एन इलेक्ट्रॉन कैन स्पिन इन टू वेज ओनली आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन आल्सो बी देयर इन टू वेज ओनली सो इन एनी ऑर्बिटल देयर वुड बी टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग को बताया गया है। क्लियर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वह नाभिक के चारों तरफ तो चक्कर लगा ही रहा है साथ ही साथ अपनी एक्सिस पे भी, देखो दो प्रकार से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चक्कर लगा रहा है। द मैग्नेटिक मोमेंट्स प्रोड्यूस बाय द स्पिनिंग ऑफ दिस टू इलेक्ट्रॉन्स हैव अ डिफरेंस ऑफ वन यूनिट ओनली सो देयर कैन बी ओनली टू वैल्यूज ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ एंड माइनस हाफ विच आर रिप्रेजेंट। देखो जो प्लस हाफ और माइनस हाफ उनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे एरोस के द्वारा भी हम डिनोट करते हैं। तो ये जो सीधा तीर हो गया ये किए उल्टा तीर हो गया इसके द्वारा भी हम इसको दिखाते हैं। द स्पिन क्वांटम नंबर्स ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इट्स स्पिन। स्पिन क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन की है, जो भी स्पिन क्वांटम नंबर है वह उसकी स्पिन की डायरेक्शन को बताती है। हैंस वी कैन से दैट बाई नोइंग द वैल्यूज ऑफ आल द फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वी कैन आइडेंटिफाई इट। समझ में आ गया, हमने चार क्वांटम संख्याओं का अध्ययन कर लिया तो इन चार क्वांटम संख्याओं के आधार पर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फॉर एन इलेक्ट्रॉन एन बराबर दे रखा है दो, ठीक है एन बराबर क्या है दो, एल बराबर एक है और हम जानते हैं कि एल एक जब होता है तो कौन सा सब ऑर्बिट होता है पी। ठीक है, एम बराबर माइनस वन है, ठीक है देखो प्लस वन जीरो और माइनस वन ये होता है पी एक्स पी जीरो पी वाई, तो ये पी वाई हो गया ऑर्बिटल और इसमें केवल हाफ है यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वन। तो हम इस प्रकार से किसी भी इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है टू पी वाई वन वाला, जिसके टू पी वाई ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। इस टेबल द्वारा हम वो अच्छे से समझ सकते हैं। देखो जब एन का मान एक होता है तो हम कौन सा ऑर्बिट होता है वो के। एन का मान जब एक होता है तो एल की वैल्यू कितनी आएगी जीरो, क्योंकि एन के बराबर तो हो ही नहीं सकती, जीरो से लेके एन माइनस वन तक ही होती है। तो एल की वैल्यू जीरो आएगी तो सब ऑर्बिट कौन सा होगा अपना एस। अब एम की वैल्यू निकालनी है तो एम की वैल्यू एल की वैल्यू पर डिपेंड करती है, टू एल प्लस वन तो जीरो वैल्यू आएगी। क्लियर, क्योंकि ए की वैल्यू आ रही है कौन सी होगी जीरो। अब एस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चक्रण क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉन है एस में, तो इसको इस प्रकार से दिखाते हैं, ठीक है एक ऊपर अपोजिट स्पिन में, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल्स कितने हैं दो, सब ऑर्बिटल कौन सा अपना एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में एक ही कक्षक होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेन सेल, जो मेन सेल अपना के सेल, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है
टू एन स्क्वायर तो दो। क्लियर। इसी प्रकार अगर एन की वैल्यू अगर अपनी आती है दो, तो दो जब एन के बराबर दो है तो कौन सा ऑर्बिट होगा अपना, एल। ठीक है, अब यहाँ एल की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, दो, क्योंकि एन का मान कितना है दो, तो एल की वैल्यू कितनी होगी, जीरो और एन माइनस वन, तो जीरो और एक, ये हमने बता दिया। जीरो, जब एल की वैल्यू जीरो आती है तो कौन सा सबसेट होता है, एस, एल बराबर एक होता है तो पी। एस में एम की वैल्यू प्रत्येक इनके अलग अलग निकालनी है आपको। अब देखो जीरो से जीरो, और वन के लिए टू एल प्लस वन, तो माइनस वन जीरो प्लस वन, तो पी वाई पी जेड और पी एक्स। ये दो इलेक्ट्रॉन्स, दो दो इलेक्ट्रॉन्स बन गए, टोटल नंबर छः इलेक्ट्रॉन हो गए। और सब सेल में सॉरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, टू एन स्क्वायर, तो दो गुणा दो का स्क्वायर बराबर आठ इलेक्ट्रॉन, छः पी में और दो एस ऑर्बिटल में। इसी प्रकार जब एम बराबर तीन होगा तो एल की वैल्यू भी तीन होगी, जीरो वन और टू, जीरो एस। इस प्रकार से हम पहले भी पढ़ चुके हो, इस चार्ट के द्वारा भी हम फोर क्वांटम नंबर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। समझ में आ गया, देखो जीरो वन टू आ गया, जीरो एस का आ गया, वन पी का आ गया, अब टू किसका आया, डी का। तो इसके लिए एम की वैल्यू कितनी आएगी, ट्वेल्व प्लस वन माइनस टू प्लस वन, सॉरी माइनस टू माइनस वन, जीरो प्लस वन और प्लस टू। माइनस टू किसका था, डी एक्स वाई, माइनस वन डी वाई जेड, जीरो डी जेड स्क्वायर, प्लस वन डी एक्स वाई, और माइनस टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दो दो इलेक्ट्रॉन सभी में, तो टेन इलेक्ट्रॉन डी में हो गए, छः पी में हो गए, दो एस में हो गए, तो एम ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार जब एन बराबर फोर आता है तो कौन सा ऑर्बिट होता है अपना, एन, कैपिटल एन। तो इसमें एल की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो से लेके एन माइनस वन, तो जीरो एक दो तीन के लिए, जीरो एस आ गया, वन पी आ गया, दो डी का आ गया। अब बात करते हैं हम तीन एफ की, तो एस में तो दो इलेक्ट्रॉन, पी में छः इलेक्ट्रॉन, डी में दस इलेक्ट्रॉन। अब एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14, क्योंकि एफ के लिए एम की वैल्यू कितनी आती है, टू एल प्लस वन, तो सात वैल्यू आएगी, तो माइनस टू माइनस सॉरी माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री वैल्यूज आ गई। अब हम जानते हैं कि एम की प्रत्येक वैल्यू एक ऑर्बिटल को शो करती है, और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो सात में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम एम ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने आ गए अपने, 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार चार्ट की सहायता से हम जो चारों क्वांटम संख्याओं को अच्छे समझ सकते हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल, व्हाट वैल्यूज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एल एंड मैग्नेटिक एम एल क्वांटम नंबर्स आर अलाउड फॉर ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन बराबर थ्री। ठीक है, अपना दे रखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तीन दे रखा है, तो इसके लिए हमें देखना है कि एंगुलर मोमेंटम एल की वैल्यू क्या होती है और एम की वैल्यू क्या होती है। देखो एन बराबर तीन है तो एल बराबर कितना होगा, जीरो वन टू, क्योंकि एल की वैल्यू जीरो से लेके एन माइनस वन तक ही हो सकती है, तो जीरो हो गई और एन माइनस वन, तीन माइनस एक बराबर दो वैल्यू, यानी एक और दो। ये तो बात हो गई एल की वैल्यूज की। अब हम बात करते हैं एम एल की वैल्यूज की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स अलग अलग निकालेंगे, तो एल बराबर जीरो, तो एम की वैल्यूज की जीरो। एल बराबर जब एक है तो एम एल की वैल्यू कितनी आएगी, तीन, माइनस वन जीरो प्लस वन की, और टू एल प्लस वन वाला फॉर्मूला लगा देना आप। और एल बराबर दो है तो एम एल की वैल्यू कितनी आएगी, पाँच, तो माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, तो देर आर नाइन एम एल वैल्यूज। कितनी वैल्यूज है, नाइन, एक दो तीन चार पाँच तीन आठ एक नौ वैल्यूज हैं एन ऑर्बिट के लिए। एन बराबर तीन है तो एम एल की वैल्यू कितनी होगी, नाइन वैल्यूज होगी, और एल की वैल्यूज कितनी होगी, तीन वैल्यूज होगी। क्लियर। इसी प्रकार अगला एग्जांपल देखो, गिव द नेम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर ईच सब लेवल्स विद द गिवन एन एंड एल क्वांटम नंबर्स। अपन को दे रखा है कि एन बराबर तीन है, एल बराबर दो है, तो सब लेवल्स कौन होगा, उसकी पॉजिटिव एम एल वैल्यूज क्या होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होगा। तो देखो एन बराबर तीन है तो तीन पहले लिखेंगे, एल बराबर दो है तो दो किसके लिए आता है, डी के लिए, क्योंकि एल की वैल्यू जब दो होगी तो अपना सबसे कौन सा होगा, डी। तो सब लेवल्स नेम हो गया थ्री डी, फर्स्ट का क्या हो गया, थ्री डी। अब पॉसिबल एम एल वैल्यूज देखनी है अपन को, तो देखो एम एल वैल्यूज है वो किस पर डिपेंड करती है, एल की वैल्यू पर। तो एल बराबर दो है तो टू एल प्लस वन निकाल के अपन पाँच वैल्यूज आती है, माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, पाँच।
क्योंकि प्रत्येक ML की वैल्यू कितनी है ऑर्बिटल को दिखाती है, एक वैल्यूज को, तो एक दो तीन चार पांच वैल्यूज है तो पांच ही ऑर्बिटल्स हो गए। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है n बराबर टू l बराबर जीरो, ठीक है। तो n बराबर टू पहले लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l बराबर जीरो है तो मान लीजिए s ऑर्बिटल होगा, ठीक है, s सब तो 2s हो गया, तो पॉसिबल ML वैल्यू जीरो, ऑर्बिटल्स एक। इसी प्रकार से एन थर्ड एग्जाम्पल देखो फाइव वन, तो 5p हो गया, p के लिए तीन वैल्यूज आती है, तीन ऑर्बिटल्स हो गए, एन बराबर फोर है तीन है। तो देखो जो एम एल्स की वैल्यू है किस पर डिपेंड करती है, एल पर, और एल की वैल्यू किस पर डिपेंड करी है, एन पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनका आप निकाल सकते हो, एग्जांपल्स को अच्छे से डिस्कस कर, अच्छे से पढ़ना समझ में आ जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल है, फाइंड आउट ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एफ ई थ्री प्लस इलेक्ट्रॉन। देखो एफ ई थ्री प्लस इलेक्ट्रॉन का अपन को लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर्स अपन को बतानी है क्या है। तो देखो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगर, आयरन जो एटॉमिक नंबर होता है 26 होता है, 26 में से तीन गया तो 23 हो गया। तो जब आप इसको लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 5 23, ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन अपना किस में, 3d5 में, ठीक है। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसका अपन को कन्फिग्रेशन निकाल, वो चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी। देखो 3d5 है तो n की वैल्यू 3 आ गई, ये जो स्टार्टिंग में होता है वो n होता है अपना, ठीक है। d है तो l बराबर 2 होगा, ठीक है। अब m है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखो, -2 -1 0 +1 और +2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ML की वैल्यू कितनी आ गई, +2, क्लियर। और चूंकि l एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्वांटम नंबर कितना होगा, +1/2, समझ में आ गया। ये रेफरेंसेज हैं। तो इस प्रकार से जो क्वांटम नंबर्स हैं उसका सहायता से हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंप्लीट जानकारी दे सकते हैं। जिस प्रकार से पोस्टमैन जब कोई पोस्ट आती है उसके पास, तो उस पर जो लिखा हुआ होता है उसका एड्रेस वेड्रेस, उस हिसाब से किसी आदमी की पहचान करता है, उसी प्रकार हम चारों क्वांटम संख्याओं की सहायता से इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट जानकारी दे सकते हैं, क्लियर। ये रेफरेंसेज हैं, धन्यवाद।